आज ले में एक रैली का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस रैली को हमने पहले करना था 28 फरवरी को करना था, मगर हमारे वैली में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से हालत थोड़ा फेवरेबल नहीं था, तो इसको हमने पोस्टपोन किया था। तो आज हमने इस रैली को दोबारा हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे ले के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेक होल्डर्स, हिल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, सरपंच, पंच, नंबरदार्स, डिफरेंट एसोसिएशंस, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो रैली था, ये हमने बाज़ार से शुरू करके ये हमारे जो हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड में ख़त्म हुआ है, और इसमें हमने एक ही मांग को हमने दोहराया है, जो कि लद्दाखियों का एक बहुत पुराना डिमांड है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस का दर्जा देने का जो डिमांड है, उसको हमने दोबारा आज हमने इसको गवर्नमेंट के सामने पेश करने की कोशिश की है। और ये बहुत ही हमारा एक सक्सेसफुल आज का ये रैली रहा, और बड़ा पीसफुली हमने इसको आज इस रैली को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। और आज हमने एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी को आज हमने एक जॉइंट मेमोरेंडम भी हमने दिया है, और उस मेमोरेंडम में हमने सिर्फ लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को देखते हुए, वैली में जो अभी जेएनके में जो सिचुएशन को देखते हुए, और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा जो डिमांड है उसको ड्यू कंसिड्रेशन दिया जाए, उसको फुलफिल किया जाए, ये इसको लेके हमने आज एक रैली किया। और ये बहुत ही एक सक्सेसफुल था रैली था, और बहुत ही यूनाइटेड तरीके से हमने आज अपने डिमांड को प्रेजेंट किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब इन डिमांड्स को अच्छी तरह से देखेंगे, और इस पे इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो जहाँ जहाँ इस बात को करने की ज़रूरत है, बात को पहुँचाने की ज़रूरत है, वहाँ बात करके हमारे लोगों के इस डिमांड को पूरा करने की वो लोग हमें पूरी हमें गवर्नर साहब से पूरी उम्मीद है।